हेलो नमस्ते, दिस इज वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट स्टार। थायराइड एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आजकल ना सिर्फ इंडिया में लेकिन वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी कॉमन हो चुका है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले में स्थित होता है। थायराइड हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर चाहे वो हमारी ग्रोथ हो, बॉडी टेम्परेचर हो, चाहे वो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट ही क्यों ना हो। थायराइड डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। योगा जो होता है वो इन दोनों ही तरह के डिसऑर्डर में काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जो दोनों ही तरह के थायरॉयड डिसऑर्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन से हैं वो योगासन, फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिट तक सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले योगासन के साथ जिसका नाम है मर्जरी विडाल आसन या फिर कैट एंड काउ पॉस्चर। कैट एंड काउ पॉस्चर करने के लिए सबसे पहले आपके मैट पर कम ऑन योर ऑल फोर्स, आपके नीज और हाथों पर आ जाइए। तो पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर अपने नीज पर और आपके हाथों पर आ जाएं, तो आपके नीज के बीच में हिप विड्थ का गैप रखेंगे। मेक श्योर कि जो आपके नीज हैं वो आपकी हिप्स की सीध में हो और जो आपकी रिस्ट हैं वो शोल्डर की सीध में हो। अब आप इनहेल करेंगे, सेंटर में न्यूट्रल रखेंगे बैक को, और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आपके पैल्विक को टक करेंगे, स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और लास्ट में आपकी चिन को चेस्ट से लगा देंगे। इनहेल करते हुए सबसे पहले रोल योर पेल्विक आउट, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ कर देंगे, चेस्ट को सामने की तरफ ओपन करेंगे और चिन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए कम टू द न्यूट्रल पोजीशन। ये है हमारा कैट एंड काउ पोस्चर। कैट एंड काउ आपके, जैसा आपने देखा कि हम जब चिन टक करते हैं जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट होने में मदद करता है, एग्जैक्टली सेम वे जब हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और स्ट्रेच जो आता है हमारे गर्दन में वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने में मदद करता है। हैंस कैट एंड काउ इज़ अ वेरी गुड पॉस्चर फॉर आर थायराइड ग्लैंड। अभी हम हमारा अगला आसन करेंगे। पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको कैट एंड काउ के जो हमने एक राउंड किया था इन एंड आउट, इस तरह से आप 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप 3 बार भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। नाउ वी विल डू आर सेकेंड पॉस्चर जिसका नाम है जानुशीर्षासन। जानुशीर्षासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा रख कर बैठेंगे दंडासन में। उसके बाद सबसे पहले आपका जो लेफ्ट नी से बेंड करते हुए जो लेफ्ट पैर का सोल है उसको राइट थाई के एकदम नज़दीक रखेंगे, जो आपकी लेफ्ट हील है दैट इज़ टचिंग योर ग्रोहिन पार्ट। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। आप चाहें तो अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ सकते हैं या फिर अपने पैर का तलवा पकड़ सकते हैं। अगर आप इतना नहीं भी पहुँच सकते हैं तो आप अपने पैर की एंकल या काफ मसल को भी पकड़ सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पैरों की उंगलियां या तो आप न्यूट्रल रखेंगे या अपने फेस की तरफ लगातार प्रेस करते रहिए। एक्सहेल करते हुए जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो धीरे से आपका जो फॉरहेड है उसको आपके शिन पर रख देंगे एंड यू विल स्टे हेयर फॉर कपल ऑफ ब्रेथ्स। यू कैन स्टे हेयर एटलीस्ट फॉर 30 seconds और 5 deep breaths। इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, एक्सहेल हाथों को रिलीज करेंगे और पैर को भी रिलीज करेंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग वी विल डू ऑन द अदर साइड ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड आसन जिसका नाम है सर्वांग आसन। जो लोग सर्वांग आसन नहीं भी कर सकते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि वो विपरीत करने किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले अपनी पीठ के बल मैट पर लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के लिए सबसे पहले एक साइड पे करवट लेके लेटिए और उसके बाद पीठ के बल लेटेंगे। हम करेंगे सर्वांग आसन प्रैक्टिस। सर्वांग आसन के बाद हम करेंगे हलासन प्रैक्टिस। तो हम सर्वांग आसन से ही हलासन में जाएंगे, लेकिन जो लोग सर्वांग आसन नहीं भी कर सकते हैं उनके लिए आई विल टेल कि कैसे विपरीत करनी करना है। पहले मैं दिखा रही हूँ सर्वांग आसन। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ 90 डिग्री ले आएंगे, नीज को बेंड कीजिए और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ
पुश कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए अपने लोअर बैक को अपने दोनों हाथों से एंड देन स्ट्रेटन योर लेग्स। अगर किसी भी तरह का आपको एडजस्टमेंट करना है, नीज को बेंड कीजिए फॉरहेड की तरफ एंड देन डू एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इफ यू नीड टू एंड देन स्ट्रेटन योर लेग्स स्ट्रेट। अगर आप यहाँ रुक सकते हैं दैट्स फाइन। जो लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं उनके लिए मैं आपको विपरीत करनी सर्वांगासन के बाद बताऊंगी। आप यहाँ से ही हलासन में कैसे जाएंगे आई विल टेल यू दैट फर्स्ट। सो धीरे से अपना राइट लेग को एक्सहेल करते हुए आपके सर की तरफ लेकर जाएंगे, इनहेल करते हुए राइट लेग को सीधा करेंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को लेकर जाएंगे, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को आपके सर की तरफ हलासन में लेकर जाएंगे। मेक श्योर कि आपकी लोअर बैक का जो सपोर्ट है उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर आप नीचे तक नहीं भी पहुंच सकते हैं दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट टू स्टे अप हेयर और हेयर वेर एवर यू आर। आप बैक के सपोर्ट को नहीं छोड़ेंगे। वेन एवर यू फील कि आप एकदम कंफर्टेबल हैं देन ओनली यू विल रिलैक्स एंड रिलीज योर आर्म्स। इंटरलेस कर सकते हैं आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से एंड स्टे इन सर्वांगासन फॉर 8 ब्रेथ और उसके बाद में 8 ब्रेथ के लिए आपको हलासन में रुकना है। कैसे वापस आना है हलासन से, धीरे से नीज को बेंड कीजिए, अपने हिप्स की तरफ अपने हाथों को ले आइए और धीरे धीरे जस्ट स्लाइड योर हैंड्स टुवर्ड्स योर थाइज एंड नीज एंड वेरी स्लोली रिलैक्स योर आसन। मेक श्योर कि आपके गर्दन में किसी तरह का जर्क ना आए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है हमको विपरीत करनी, जो लोग सर्वांगासन पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आपको पीठ के बल आपके मैट पर लेटना है। उसके बाद जिस तरह से हमने, अगर आप सीधे पूरे पैर 90 डिग्री नहीं लेकर आ सकते हैं, आप नीज को बेंड करके यहाँ से इस तरह भी आ सकते हैं। नीज को बेंड कर लीजिए, इनहेल करते हुए अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे एंड अपनी लोअर बैक को सपोर्ट करेंगे। दिस इज विपरीत करनी। आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, लेकिन लोअर बैक का सपोर्ट आप यहाँ पर भी नहीं छोड़ेंगे। यू कैन जस्ट स्टे हियर। और अगर यहाँ से अगर आप हलासन में जा सकते हैं तो आप हलासन में चले जाइए। अगर आप हलासन में नहीं भी जा सकते हैं तो सिर्फ विपरीत करनी में ही आप रुके रह सकते हैं। सेम वे में हम नीचे आएंगे, नीज को बेंड करेंगे, स्लाइड करेंगे अपने हाथों को थाइस की तरफ, धीरे से नीज की तरफ और अपनी बैक को पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद अपने पैरों को हम सीधा कर लेंगे। तो ये था हमारा विपरीत करनी टू हलासन। पहले हमने किया था सर्वांगासन टू हलासन। अब हमें हलासन के बाद एक और आसन करना होता है जिसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए आपके पैरों की दोनों उंगलियों को बाहर की तरफ पॉइंट कर दीजिए, अपने हाथों को थाइस के एकदम नज़दीक रख लीजिए। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर चेस्ट अप, ओपन योर चेस्ट एज मच एज पॉसिबल और धीरे से ड्रॉप योर हेड बैक। तो आपका जो टॉप ऑफ द हेड है, क्राउन चक्र जो है आपका, वो आपके मैट पर आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है, इफ़ यू आर समवेयर हेयर देन ऑल्सो इट्स फाइन। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सर आपके मैट से नहीं लग पा रहा है। ओपन योर चेस्ट अ लॉट एंड फील द स्ट्रेच इन योर थ्रोट। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर सेल्फ अप, धीरे से अपनी नेक को उठाएंगे एंड vertebra by vertebra from lower back to upper back you will relax on your mat. अब हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए भी आप पहले सीधा लेट जाएं, फिर धीरे से अपने दोनों नीज को बेंड कर लीजिए या आपके जो हील्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रखना है, आपको अपने हिप्स ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है। इट्स जस्ट अ नाइस एंड कम्फर्टेबल इन्वर्टेड वी काइंड ऑफ पोजिशन। एक्चुअली इट्स नॉट इवन वी प्रॉपरली, जहाँ भी आपको लगता है कि आपके हाथों की उंगलियाँ आपकी हील से ऑलमोस्ट टच हो रही हैं, अगर यहाँ भी है तो भी चलेगा, थोड़ा नज़दीक है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपको आपके हिप से लेकर अपर बैक तक की बॉडी को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। इवेंचुअली आपका जो चेस्ट है वो इतना ऊपर उठ जाएगा कि आपकी चिन तक, आपके जो चिन है वो ऑटोमेटिकली आपके चेस्ट से जाकर टक हो जाएगी। आप अपने हाथों को इंटरलेस कर सकते हैं अंडर योर बैक और इफ़ यू फील लाइक ग्रैबिंग योर हील्स यू कैन ग्रैब योर हील्स ऑल्सो वेर एवर यू, वट एवर एंड वेर एवर यू फील कम्फर्टेबल, दिस इज़ फाइन।
दिस इज ऑल्सो फाइन, और यू कैन जस्ट कीप योर palms facing down on your mat by your body. That is also completely all right. You have to stay here also for 5 deep breaths. Bahut dheere dheere this time upper back se lekar lower back tak vertebra by vertebra aapko asan ko dheere dheere release karna hota hai. Aur jab aap setu bandhasan ko completely release kar denge, uske baad you will take pavan muktasan, yani apne dono knees ko bend karke aapke चेस्ट की तरफ ले आएंगे एंड जस्ट हग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट. मेक श्योर दैट यू आर नॉट लिफ्टिंग योर हिप्स. योर हिप्स आर डाउन ऑन द फ्लोर. योर लोअर स्पाइन इज ऑल्सो ऑन द फ्लोर. यू आर जस्ट हगिंग योर सेल्फ. सो इट्स फाइन इफ यू आर अप हेयर ऑल्सो. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. धीरे धीरे अपने नीज को प्रेस करेंगे तो आपके नीज चेस्ट तक पहुँच जाएंगे. एंड लेट गो ऑफ योर नीज इज वेल and relax in Shavasan. आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस किए हैं 6 योगासन जो कि बहुत ही अच्छे हैं दोनों ही तरह के थायराइड डिसऑर्डर में, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो. हमने पहला आसन प्रैक्टिस किया था जिसका नाम है कैट एंड काउ यानी मर्जरी विडाल आसन. इसके बाद हमने प्रैक्टिस किया जानुशीर्ष आसन जो कि नंबर 2 पे था. नंबर 3 पे हमने प्रैक्टिस किया सर्वांग आसन और नंबर 4 पे हलासना. उसकी जगह पे अगर आप चाहें तो नंबर 3 और 4 पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विपरीत करनी एंड हलासन ऑल्सो. ये ऑप्शन भी आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है अगर आप नहीं भी करना चाहें सर्वांगासन तो, क्योंकि उतना ही बेनिफिट आपको विपरीत करनी से भी मिलता है. इसके बाद हमने प्रैक्टिस किया मत्स्यासन जिसका नंबर है 5, क्योंकि यही ऑर्डर हम फॉलो करते हैं. और लास्ट में हमने प्रैक्टिस किया है सेतुबंध आसन नंबर 6 नंबर 6 पर. तो यही आपको भी फॉलो करना है जो ऑर्डर हमने फॉलो किया है. हम ऐसा नहीं करते कि पहले मत्स्यासन करें उसके बाद हलासन करें, क्योंकि ट्रेडिशनली हठ योगा में हम इसी तरह से फॉलो करते हैं, आसन एक के बाद एक लगे हुए हैं. और सेतुबंध आसन के बाद में हमने पवन मुक्त आसन सिर्फ एज अ काउंटर पॉस्चर प्रैक्टिस किया था सेतुबंध आसन के लिए. तो ये जो अगर आसन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपके थायराइड डिसऑर्डर में विजिबली काफ़ी बेनिफिट्स महसूस होंगे. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पता ही है कि कौन से योगासन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप इन योगासन को अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर शामिल करेंगे. और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए फिट तक. नमस्ते.